एवरीबॉडी वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नेहा, कैसे आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आरके डीजे मृणाल रोस्टेड में ओके तो आरके डीजे मृणाल रोस्टेड में सलोनी आपा ओह माय गॉड ओके तो दिस इज समथिंग आरके डीजे मृणाल रोस्टेड सलोनी आपा ओके तो लेट्स सी व्हाट इज दिस गोइंग टू बी समथिंग। मतलब बहुत ज्यादा वी कैन से खतरनाक होने जा रहा है। तो आरके ने रोस्ट किया था और इसकी पिकअप लाइन क्या है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम खोटी किए। कैरी मिनाती की क्या पिकअप लाइन है, आओ दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये पिकअप लाइन है मेरा, इसको इंट्रो नहीं बोलते। आधे से ज्यादा ऑडियंस को तो मेरे ये पता होगा कि मेरा पिकअप लाइन, मेरा इंट्रो ये है। हेलो बैक टू माय चैनल गाइस। और पिछला वाला पिकअप लाइन जब मेरे को लगा था कि कैरी के पिकअप लाइन से मैच करता है तो मैंने बोला ही बंद कर दिया था। तो सेंसेस बात कर, कोई सेंसेस बात हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो अगर लोग इस हथियार के टोपे जैसी शक्ल वाले लड़के की वीडियोस मिलियंस में देखते हैं तो मैं तो लड़की हूं। जब मैं गालियां दूंगी तो जाहिर सी बात है लोगों को बढ़िया लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को मजा आएगा, तो मेरे फॉलोअर्स भी मिलियन में होंगे। मेरी तो शक्ल फिर भी ठीक ठाक है। हिपोक्रेसी की हद है, हद है। और ये जो रिप्लाई है मैंने चाचा के वीडियो आने के बाद दिया है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं। खुद तो कामयाब एक्टर नहीं बन पाए लेकिन कामयाब यूट्यूबर बनने का ज्ञान जरूर देंगे। बॉलीवुड के सबसे वर्स्ट हीरोज में से सबसे टॉप पे चाचा। लेकिन मुझे जहां तक पता है चाचा के बारे में वो ये देख के भी खुश हो रहे होंगे कि कम से कम हीरोज में तो काउंट किया। मैं को होना अवार्ड शो में तो एक अलग से अवार्ड निकाला जाता है, बाल्टी अवार्ड इनको देने के लिए। ये आपके लिए सर, बाल्टी अवार्ड। तुम दोनों जोकर्स ने अपनी औकात दिखा दी। अरे यार है ना, मतलब दो रुपए के जो जोकर रहते हैं वो जोकर ही होते हैं, जोकर ही रहेंगे जिंदगी भर। टीवी से मेरा क्या लेना देना। ए चाचा तेरे टीवी से क्या, इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। क्या कह रहे हो, इस अवार्ड का क्या करूंगा मैं, वो क्या कहते हैं उसको, चुल्लू भर पानी में डूब। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ना किसी यूट्यूबर से इंस्पायर होना पड़ेगा, जैसे सलोनी आपा कैरी मिनाती से इंस्पायर हुई है, जैसे इन्होंने राखी सावंत से लिया है। जानबूझ के चूतिया बनने की एक्टिंग करेंगे और फिल्म में सच में चूतिया एक्टिंग करके चले आएंगे। और क्या कहते हैं, व्यूज लेते ताकि पैसे कमा सके। तो चाचा आप भी कमा लो ना, ताकि 10-15 हज़ार में सॉन्ग प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट ना करना पड़े। आप फौरन हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत माँ बहन की गालियां हैं। ओ बहनचोद, आईने में देख रहे हो चाचा, यहाँ पे इसलिए नहीं खड़े ताकि हमें बता सके गाली देनी बुरी बात है। माँ बहन की गालियां नहीं बल्कि बहुत नई नई गालियां हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। तो तुम ये बता के ऑडियंस से चैनल सब्सक्राइब कराना चाहते हो और फिर हमें ही वो करने के लिए गालियां दोगे। टिकटॉक पे ये अच्छे वीडियोस बनाती थी और इसकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग थी। मैं भी इसके वीडियोस देखता था। टिकटॉक बंद हो गया तो ये बेचारी। तो जो भी लोग सोचते हैं ना कि मैंने यूट्यूब टिकटॉक बैन होने के बाद ज्वाइन किया, तो ना भाई ना, यू टोटली रॉन्ग। मैं हमेशा से ही चाहती थी यूट्यूब को ज्वाइन करना, लेकिन मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं शुरू से ही यूट्यूब ज्वाइन कर पाऊं। मेरे को जब लगा इट्स फाइन टू डू, मैंने शुरू किया। तो इसने स्टडी किया और देखा कि यार एक लड़के का नाम अजय नागर है जिसने अपना नाम कैरी मिनाती रख लिया है, उसकी शक्ल हथियार के टोपे जैसी है। Just because this guy roasted राधे और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई तो सलमान हेटर स्टार्टेड लाइकिंग दिस गाय। ये बहुत उड़ रहा है, कुछ भी बोल रहा है मतलब। और अभी इसको कोई गाली भी नहीं दे रहा है सेम चीज करने पे जो ये कुछ महीने पहले कर रहा था। ओके कैरी मिनाती और आशीष चिलानी को जो तूने रोस्ट किया था और मैंने तेरे पे वीडियो बनाया था उसका बदला ही है। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहा है आदमी। दिस गाइस डबल द एज ऑफ कैरी मिनाती और जिसको बोल रहा है गाली नहीं देनी चाहिए वो खुद गाली दे रहा है। और मैं एज की बात नहीं करती लेकिन ही इज ओनली ट्राइंग टू बी द नाइस गाय ना, तो गाली मत दो। ओके सो अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे किसी ने लिखा होगा मनोज बाजपेयी इज अ ग्रेट एक्टर, इनडीड ही इज। तो ये रिप्लाई करता है, डू यू नो दैट ही इज द फादर ऑफ ऑल चर्सी गजेडी इन द बॉलीवुड, प्लीज बॉयकॉट सच इल मैनर्ड पीपल। सो इनडायरेक्टली ही कॉल्ड मनोज सर इज फादर। ओके रसरंगिया मेरे को प्यार फूको मैं सुबह शाम रात को। वैसे मैं डंके की चोट पे कह सकती हूं ये आदमी ने गांजा फूक के स्टेटमेंट लिखा है, नहीं तो ये फिरात में है कि पैसे मिले तो मैं तारीफ करूं। क्यों करते हो चाचा, मैं बता रही हूं हजार गधे मरने के बाद ये पैदा हुआ होगा और देश रोए करने के बाद कोई ऐसे स्टेटमेंट्स कैसे दे सकता है। तुमसे ना हो पाएगा। और आपको शर्म आती हो या ना आती हो, आपके बच्चों को जरूर आता होगा, स्कूल
भी बोलता है अपने पापा की वो वाले एक्टिंग करके दिखाना। ओके लेट्स नॉट इंक्लूड हिज किड्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर तुम स्कूल से याद आया, अगर तुम स्कूल गए होते ना, तो तुमने इस वीडियो में जो उसके बाद मेरे बारे में गंदी गंदी चीजें अज्यूम की है, वो तुमको नहीं अज्यूम करना पड़ता, वो तुम्हें भी पता होता अगर तुम स्कूल गए होते तो। पर अनफॉर्चुनेटली एनीवेज नेगेटिविटी के साइड हटाते हैं, चचा ने हमारे बारे में थोड़ी तारीफ दी के अपनी वीडियो में, वो देख लो जरा। इसके पास दो ताकत है, एक ये कि ये बोलती अच्छा है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, सुनने में मजा आता है। दूसरा ये कि इसकी स्माइल बहुत अच्छी है, जब ये मुस्कुराती है तो अच्छी लगती है। यही दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना गाना भी बनाया, विच विल बी आउट सून। स्टे ट्यून्ड, मैं जल्दी बताऊंगा गाने के बारे में। और केयर के ये वाला क्लिप बस मैंने प्रमोशन के लिए यूज़ किया, बिकॉज़ एज ही सेड लड़की ये बहुत होशियार है। लेट्स मूव ऑन टू भुक चुप, नहीं समझे तो हेलो गाइस, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इट्स मी डीजे बिना रैपर भुक चुप, नाम तो सुना ही होगा। नाम ही सुनी है लोगों ने तेरी, सिर्फ तेरे को रोज वीडियोस में देखा है। आज मैं जिस बंदी को रोस्ट करने वाला, अरे बहनचोद बोले, मेरे को भी नहीं आता तेरे नाम ठीक से। डीजे मिनरल वाटर सा नाम है साले का, शुद्ध पानी सा नाम, और काम गंदे नाली के पानी। उस बंदी ने मुझे दो बार रोस्ट कर दिया, उसने बोला कि ये रोस्ट नहीं, ये बेइज्जती है। एक साल से ज्यादा हो गया होगा जब मैंने इसको रोस्ट किया था, साला सब क्लाउड के भूखे। तो आज मैं उसको ऐसा रोस्ट बनाऊंगा कि वो जिंदगी भर किसी मर्द को रोस्ट नहीं बनाया गया। मर्द को रोस्ट नहीं करूंगी, तुझे तो कर ही सकती हूँ। ये मेरा जो फ्रेंड है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा बिलियनियर आदमी है, इनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। चलो वो भी सोच रहा होगा थोड़ा सा फेमस होने के लिए इस बेहुदे के पास बैठा पड़ रहा है, हाल पे हाथ रखे वो हंसी रोक रहा है बेटी जो। और इन्होंने मेरे से मिलने के लिए आ गया कि अमेरिका तो यूएस है। कोई सेंस है बात की? अमेरिका टू यूएसए आ गया इसका दोस्त इससे मिलने। हम रोज रोज रात में ना ये पार्टी करते, दारू पीते, ये गांजा खाते, ये सब पीते, विमल खाते। इसमें से बस एक चीज सही कहा है, सिर्फ विमल खाते, बाकी का तो पैसा होगा नहीं। चुटी पे विमल खाता है और उसका ही नशा हो जाता है। जी हाँ, यूट्यूबर्स को उंगली करने के अलावा इनका दूसरा शौक है विमल की अलग अलग रेसिपीज बनाना। विमल का हलवा, विमल की चटनी, विमल एंड शिखर अनबॉक्सिंग, पान खाने का तरीका, क्या आपके टूथपेस्ट में विमल है? आज मैं बोलना चाहता हूँ की इसलिए नहीं पाते हो, तूने मेरे से 5 करोड़ रुपए लिए ना। भैया जी को खुद अपनी बोली हुई बात हजम नहीं हो रही। तू जो आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए तूने मुझसे उधार लिए ना, वो तो पैसा तो लौटा ही नहीं, लेकिन तूने मेरे साथ रोज भी बना लिया। दोस्तों मैं गरीब हूँ, मैंने यही फोन खरीदा था आईफोन 11 प्रो मैक्स यूट्यूब के लिए, वो भी जिससे ये वीडियो बन रहा है। हमने 5 करोड़ का 12 नहीं खरीदा, ना खरीदने का प्लान। 5 करोड़ वाला 12 तुम अपनी गांड में डाल लिए है। तूने मुझसे पैसा लिए ना, ठीक तरीके से मेरा पैसा दे, वो लौटा देना, ले तो मेरा जो अंडरवेयर का डॉन है ना। अंडरवेयर का डॉन वैसा लग भी रहा है, जस्टिफाई। मैं एक अंडरवेयर का डॉन हूँ, मुझे पकड़ना नामुमकिन नहीं, नामुमकिन है। चलोनिया पा एक जंगली बिल्ली है। जंगली बिल्ली बोल कौन रहा है, जिसकी खुद की शक्ल वो मेले में बिकने वाली डोरेमोन से, जिसको बच्चे देख के भी बोलते हैं छी छी ये नहीं चाहिए मेरे को, डोरेमोन देखना बंद कर देते हैं वो खिलौना देखने के बाद। नाम है जवांगो, जवांगो तुमको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तुम बहुत खूबसूरत तो नहीं लगते हो लेकिन बिल्ली जैसा शक्ल पूरा लगता है तुमको। अबे साले तो वेट करना, सब दुनिया पा और जबांगो का शादी बहुत ही जल्दी होने वाला है। हमारी शादी में तू क्यों ना खुश हो रहा भाई, तेरा कौन सा चंदा बटोरने का काम है? ये देना मैं तेरे वास्ते नाच ही रहे। बस गाइस दैट्स एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करना ना भूले, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और केयर के चाचा क्या कह रहे थे, ये करती है लव यू, तो जाहिर सी बात है देखने वाले तो गदगद हो जाते हैं। अच्छा बाय। ओए गॉड, अभी केयर के मतलब किस किस पर रोस्ट करने लगा है भैया, पहले आशी एंड कैरी नाउ सलोनी, मतलब क्या मतलब करने की क्या कोशिश कर रहे चाचा, जरा हमें भी बताओ है ना। एंड सलोनी फगा लाइक ए गुड थिंग, और एक मतलब सॉन्ग वीडियो सॉन्ग इज गोइंग टू बी रिलीज, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट मचा, तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए।
रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरे इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू. थैंक यू.